आकाश और मैं आपको बताऊंगा एप्पल आईफोन 12 के बारे में कि इसमें आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलता है और उस फोन के अंदर क्या क्या आपको फ्यूचर मिलता है। तो मैं आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें तो जो आपको MGZ3HN है और इसमें आपको साथ में मॉडल नेम की बात करें तो ये iPhone 12 है। क्या है? iPhone 12 है जिसमें आपको कलर रेड मिल जाता है। अगर आप लेना चाहते हैं रेड में तो रेड भी ले सकते हैं, चाहे तो आप ग्रीन लेना चाहते हैं, चाहे तो ब्लू लेना चाहते हैं, इसी तरीके से ले सकते हैं। मैं आपको इस फोन के बारे में ऑल डिटेल्स बता देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ जो कि इसमें आपको ब्राउजर टाइप ये स्मार्टफोन है और साथ में इसको सिम टाइप की बात करें तो ये ड्यूल सिम है जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट इसमें प्रोवाइड नहीं की जाती है। और ये बिल्कुल टच स्क्रीन है और OTG कंपेटिबल की बात करें तो OTG जो कंपेटिबल है उसमें नहीं प्रोवाइड की जाती है। और ये क्विक चार्जर है जिसमें आप इसमें फोन के साथ प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ से आप इसकी साउंड देख सकते हैं जो कि बिल्ट इन साउंड यहाँ से स्पीकर देख सकते हैं। और इसके बाद इसमें आपको डिस्प्ले फीचर के जो मिल जाता है, आपको डिस्प्ले जो साइज है 15.49 सेमी का यानी कि 6.1 इंच का देखने को आपको डिस्प्ले मिल जाता है। और साथ में इसकी रिजोल्यूशन की बात करें तो 2532x1170 पिक्सल का आपको दिखने को मिल जाता है यानी कि 2532x1170 पिक्सल का आपको दिखने को मिल जाता है। इसके बाद इसकी रेजोल्यूशन टाइप की बात करें जो कि सुपर इतना XDR डिस्प्ले है, XDR इसमें आपको डिस्प्ले दिखने को मिल जाता है। और इसके बाद डिस्प्ले टाइप भी देख सकते हैं। इसके बाद अदर डिस्प्ले फीचर यहां से देख सकते हैं। इसके बाद OS एंड प्रोफेसर फीचर की बात करें, OS एंड प्रोफेसर फीचर की बात करें तो जो इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो iOS है 14 दिखने को मिल जाता है। साथ में आपको प्रोफेसर टाइप आपको यहाँ से A14 यहाँ से देखने को मिल जाता है। इसके बाद मेमोरी एंड स्टोरेज की बात करें तो आप इसमें इंटरनल स्टोरेज आपको 128 यानी 128 GB का देखने को मिल जाता है। और साथ में इसमें कैमरा फीचर की बात करें तो इसमें आपको कैमरा फीचर भी प्रोवाइड की जाती है। और साथ में इसका जो है प्राइमरी कैमरा जो कि 12MP+12MP दिया है यानी कि प्राइमरी कैमरा फीचर यहाँ से देख सकते हैं जो कि ड्यूल 12MP कैमरा सिस्टम है यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद सेकेंडरी कैमरा की देखने की बात करें तो इसमें आपको सेकेंडरी कैमरा भी प्रोवाइड की जाती है। और सेकेंडरी कैमरा जो है फ्रंट कैमरा जो सामने का कैमरा होता है 12MP का प्रोवाइड की जाती है। और साथ में आपको सेकेंडरी कैमरा फीचर भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रू डेप्थ कैमरा जो कि 12MP है 14 यहाँ से इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्लैश की बात करें तो ये फ्लैश भी इसमें प्रोवाइड की जाती है। साथ में SD रिकॉर्डर भी इसमें प्रोवाइड की जाती है, रिकॉर्डिंग भी इसमें फुल SD रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको वीडियो रिकॉर्डिंग रिजोल्यूशन भी इसमें प्रोवाइड की जाती है। साथ में डिजिटल जूम भी और साथ में इसमें फ्रेम रेट भी देख सकते हैं 24 FPS का है और 30 FPS 7 FPS और 120 FPS 240 FPS का इसमें प्रोवाइड की जाती है। और ड्यूल कैमरा लेंस की बात करें तो ये प्राइमरी कैमरा लेंस है। और इसमें कॉल फीचर की बात करें तो इसमें कॉल होल्ड एंड कॉल वेट का भी सिस्टम दिया गया है इसमें आपको प्रोवाइड की जाती है। और इसमें अलग फीचर देख सकते हैं जो कि नेटवर्क टाइप है जो 5G 4G 3G और 2G है। अगर आप फोन में देखेंगे तो आप 4G 3G 2G मिलता है लेकिन इस फोन में आपको 5G 4G 3G और 2G देखने को मिलता है। और इसकी सपोर्टेड नेटवर्क की बात करें तो आपको 5G 4G और LTE WCDMA और GSM आपको देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं इसका इंटरनेट जो है जो कि 5G 4G 3G Wi-Fi एंड EDGE आपको देखने को मिलता है। और साथ में 3G इसमें प्रोवाइड की जाती है। और प्ले इंस्टॉलेशन ब्राउजर की बात करें जाए इसमें आपको सफारी है और ब्लूटूथ इसमें सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है जो कि ब्लूटूथ वर्जन है V5.0 और Wi-Fi भी इसमें आपको प्रोवाइड की जाती है। और साथ में आप इसमें Wi-Fi 6 यानी कि देख सकते हैं यहाँ से। और साथ में Wi-Fi हॉटस्पॉट भी प्रोवाइड की जाती है। साथ में आपको NFC भी
इसमें प्रोवाइड की जाती है, और उसके साथ EDG प्रोवाइड की जाती है, साथ में मैप सपोर्ट, GPS सपोर्ट। और इसकी अदर फीचर की बात करें तो आपको इसमें अदर फीचर्स को देखने को मिल जाएगा, जो कि एक स्मार्टफोन है जिसमें आपको नैनो eSIM देखने को मिलता है, मोबाइल ट्रैकर, यानी कि इसमें मोबाइल ट्रैकर को भी प्रोवाइड किया जाता है, रूमेबल बैटरी इसमें प्रोवाइड नहीं की जाती है, और SMS भी प्रोवाइड की जाती है। और ग्राफिक्स के PPI की बात करें तो इसमें आपको 460 PPI मिल जाता है, और यहाँ से देख सकते हैं सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, सेंसर यानी कि फेस ID यहाँ से देखने को आपको मिल जाता है। इसके बाद ब्राउजर की बात करें तो ये ब्राउजर सफारी ब्राउजर है, सफारी का। और क्या है कि ब्राउजर अदर फीचर की बात करें तो ये अदर फीचर यहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि स्प्लेस वाटर एंड डस्ट यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद GPS टाइप की बात करें तो यहाँ से व्यूज इन GPS टाइप मिल जाता है देखने को। और मल्टीमीडिया फीचर की बात करें तो आपको मल्टीमीडिया फीचर में आपको IDO फॉर्मेट, जिसमें आपको IDO फॉर्मेट यहाँ से देख सकते हैं, IDO फॉर्मेट सपोर्टेड, जो AAC, LT, HE, ASE आपको HE देखने को मिल जाता है, और साथ में वीडियो फॉर्मेट भी मिल जाता है, जो कि HEVC, जो कि 8.264 MPEG 4x2 एंड मोशन यहाँ से देखने को आपको मिल जाता है। और डायमिनेशन की इसकी बात करें तो डायमिनेशन आपको 20 में आपको मिल जाता है, 71.5 mm का वेट इसका मिल जाता है, हाइट जो है 146.7 mm का, और इसका डेप्थ जो है आपको डेप्थ मिल जाता है 7.4 mm का, और इसका वेट जो है आपको 164 ग्राम का मिल जाता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 1 ईयर का ब्रांडेड वारंटी मिल जाता है, और साथ में डोमेस्टिक भी वारंटी 1 ईयर का मिल जाता है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट फोन है जिससे आप इजीली तरीके से ले सकते हैं। और इसकी प्राइस की बात करें जो आपकी इसकी प्राइस है, आपको प्राइस मिल जाता है आपको इसे देखने को, तो इसकी प्राइस जो है आपको 62,000 के अंदर यह फ़ोन दिखने को आपको मिल जाएगा, यानी कि 62,000 के अंदर ये फ़ोन आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ से इसकी लुक देख सकते हैं, जो कि एक बहुत बेहतरीन लुक है। यहाँ से इसकी कैमरा देख सकते हैं, इसकी फ़ोन देख सकते हैं आगे का, यह बेस्ट है अगर लेना चाहते हैं तो आप इजीली तरीके से ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो चाहिए।